फ्रेंड्स, एप्पल की WWDC 2021 जस्ट अभी ख़त्म हुई है और इसमें एप्पल ने अपने मैक कंप्यूटर्स के लिए उसके अपकमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम macOS 12 का डिवेलपर बीटा अनाउंस किया है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप macOS 12 के इस डिवेलपर बीटा को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एमजेड लर्निंग, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि सिर्फ और सिर्फ एप्पल यूजर्स के लिए बना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि macOS 12 के डेवलपर बीटा को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 12 के डेवलपर बीटा को डाउनलोड करने के लिए आप अपने मनपसंद वेब ब्राउज़र को ओपन करें और developer.apple.com पे जाएं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ पे आप अपनी एप्पल आईडी से साइन इन हो जाएं। साइन इन होने के बाद आप इस साइड बार से डाउनलोड्स पे क्लिक कर दें। अभी एप्पल की वेबसाइट अपडेट हो रही है, हो सकता है अभी यहाँ पे आपको macOS 12 बीटा का डाउनलोड लिंक दिखाई ना दे। एनीवे, आप थोड़ा नीचे की तरफ आए और यहाँ पे ओवरव्यू के नीचे macOS पे क्लिक कर दें। अब इस लिंक की मदद से आपने macOS डेवलपर बीटा एक्सेस यूटिलिटी को अपने मैक में डाउनलोड कर लेना है। ये चंद किलोबाइट की एक स्मॉल फाइल है। जब ये फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए तो आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जाकर इसे ओपन कर लें। अब आप इस डेवलपर बीटा एक्सेस यूटिलिटी को अपने मैक में इंस्टॉल कर लें। जैसे ही ये फाइल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी, आपके मैक का सॉफ्टवेयर अपडेट ऑटोमेटिकली ओपन होगा और अब आप macOS 12 के डेवलपर बीटा को अपने मैक में डाउनलोड कर सकेंगे। ये मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से एक ह्यूज फाइल है जो कि डाउनलोडिंग में काफ़ी टाइम लेगी, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे। एनीवे, आफ्टर डाउनलोड आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 12 को अपने मैक में इंस्टॉल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि अगर आपको एप्पल डेवलपर के पेज पे macOS डेवलपर बीटा एक्सेस यूटिलिटी की फाइल का डाउनलोड लिंक नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एप्पल का पेड डेवलपर अकाउंट नहीं है। डोंट वरी, आप फिर भी macOS 12 का डेवलपर बीटा अपने मैक में इंस्टॉल कर सकते हैं जस्ट बाय रिक्वेस्टिंग दिस स्मॉल फाइल टू एनी डेवलपर। और मेरे सब्सक्राइबर्स समझ गए होंगे कि उन्होंने इस स्मॉल फाइल के लिए किसको और किस जगह रिक्वेस्ट करनी है। बहरहाल, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 12 में अपग्रेड करना, उसकी क्लीन इंस्टॉलेशन और उसके न्यू फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो एमजेड लर्निंग से जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपसे मिलूंगा चंद घंटों बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुश रहिए और एमजेड लर्निंग देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।